अगर कोई लगाना चाहे और कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना खर्चा उसे करना पड़ जाएगा? खर्चा तो लगभग 5-5.5 तो मान के चलिएगा, ठीक है, 11 किलो वाट में। फिर जैसा प्लांट बढ़ाओगे उसी तरह से खर्चा बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट का कृषि जागरण चैनल में। आज हम आपका सभी का स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे एक भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं, सोलर लाइट से सेलर चला रहे हैं अपना, और इनका आज हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से इन्होंने ऊपर सोलर लाइट को लगाया है और सेलर चलाना उन्होंने शुरू किया है। ये तमाम जानकारी आज हम भाई से लेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह से उन्होंने जो ऊपर सोलर लगाया है, आप देखेंगे ऊपर पैनल लगे हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप पूरी जानकारी लेंगे इनसे किस तरह से उन्होंने जो सोलर लाइट का इंतजाम किया है और उसमें किस तरह से ये सोलर के द्वारा अपना सेलर चला रहे हैं। मेरे पीछे देखेंगे काफ़ी शोर हो रहा है, लेकिन हम खास दूर जाकर थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेवाराम नाम है भैया। मेवाराम भैया, आपने जो इसमें सोलर लगाकर और सेलर लगा चला रहे हैं आप इसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ मैं कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में। सेलर में घर मेरी लाई वाली भी है, गेहूं वाली भी है और धान कूटने वाली भी है, तीनों मशीनें ही मेरी हैं। अच्छा जी, तो इस समय में आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं गेहूं की पिसाई कर रहा हूं। मतलब आटा बना रहे हैं? जी जी, आटा बना रहा हूं गेहूं का। तो ये आपका इंजन लगा हुआ है लेकिन इंजन नहीं चला रहे हैं? नहीं नहीं सर, इंजन नहीं चला रहा सर, इंजन से पड़ता नहीं आता है बिल्कुल, डीजल इतना महंगा आएगा एक से ज्यादा ही, और मैंने इसलिए सोलर लगाया है बस। मैं इससे बहुत खुश हूँ अपने सोलर काम से। सोलर कहाँ लगाया है आपने? सोलर मैंने अपने खेत में प्लांट पे लगाया है, यहाँ पे टीन के ऊपर लगाया है, ऊपर टीन पड़ी हुई है, सही उसी पे लगाया है। तो सोलर से अगर तीनों मशीनें एक साथ चलाएं, लाही का और ये सब, तो तीनों चल जाएंगे? नहीं, तीनों नहीं चल पाएंगे, तीनों के लिए प्लांट बढ़ाना पड़ेगा, उसे 18 किलो वाट में चाहिए। फिलहाल मेरा 11 किलो वाट में है, ठीक है। दो मशीनें धान वाली लगातार चल जाती हैं, एक एक करके अगर चलाएंगे तो लाही वाली भी चल जाएगी, गेहूँ वाली भी चल जाएगी। अगर एक एक करके चलाएंगे तो दिन भर तीनों मशीनें चल? जी जी, दिन भर चल जाएंगे, सुबह 8:30-9 बजे से लगभग मैं 3:30-4 बजे तक चल जाएंगे। तो ये सेलर को आपने चलाने के लिए जो सोलर पैनल लगाया है ऊपर, कितना खर्चा आपका आ गया? ये सर मेरा 5 लाख के लगभग में आ गया है, 25 साल की गारंटी में। कहीं से कोई लोन लिया था आपने? जी नहीं नहीं, मैंने लोन नहीं लिया कहीं से। अगर कोई लगाना चाहे तो क्या गवर्नमेंट की स्कीम है लोन की? सर ये तो पता नहीं है मुझे गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो तो कृषि के लिए थी, वो तो छोटा सा प्लांट है कृषि वालों का, कुल 18 वाट का है, ठीक है, 1800 वाट का है मतलब, और ये मेरा जो है 11 किलो वाट 11,000 वाट है। कितना लगभग खर्च होने के 5 लाख जो आपने खर्च किया पैनल लगाने में, उसके बाद में इस्टेब्लिश करने में कितना खर्चा आ गया? सर इस्टेब्लिश करने में खर्चा मेरा क्या, मैंने वही दिया था शुरू शुरू में पूरा, वो एक लोगों को रखा है मैंने अपनी गारंटी के तौर पे, क्यों अगर कोई कमी आती है तो जिससे कि इससे लगवाया वो आता रहेगा मुझे देखने के लिए, इसलिए मैंने 1 लाख रोक रखा है उनका। अच्छा। तो और बाकी नगद दे दिया। तो हम और हम जो बात करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि अंदर उधर आवाज़ भी आ रही है और थोड़ा सा आगे बढ़कर आएंगे, यहाँ पर पूछेंगे जो सेलर आपने लगाया है ऊपर, वो सेलर चल भी रहा है आपका, गेहूँ निकाल रहे हैं, तो कितना इनकम हो जाता है अगर हम इनकम? सर अगर सही काम आ जाए तो 1200-1500 रुपए के बीच में हो जाता है इनकम दिन भर चलने में, डेली का। अगर कोई लगाना चाहे और कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना खर्चा उसे करना पड़ जाएगा? खर्चा तो लगभग 5-5.5 तो मान के चलिएगा, ठीक है, 11 किलो वाट में। फिर जैसा प्लांट बढ़ाओगे उसी तरह से खर्चा बढ़ जाता है। ये जो मशीनें आपने धान की और तेल निकालने की और चावल निकालने की जो मशीनें लगाई, तो क्या ये आपने लोन लेकर किया या आपने पैसा लगाया? नहीं, मैंने अपने पैसा इसमें भी लगाया था, ये सन 2005 का चल रहा है मेरा, और मैंने ये सोलर प्लांट जो अभी लगाया 3 महीने पहले से। टोटल ये जो प्लांट लगाने में कितना खर्चा लगभग आ जाएगा? टोटल प्लांट लगाने में लगभग, मैं तो मान लीजिए इस समय मशीन अगर इंजन नहीं लेते हैं तो, आयशर इंजन नहीं लेते हैं, जब सोलर लगाओगे तो नहीं लेगा इंजन, ठीक है, तो लगभग आ जाएगा तुम्हारा 8 लाख रुपये खर्चा, जितना बड़ा मेरा प्लांट इतने बड़े में। एक लाइन में आप पूरी बता दीजिए, अगर कोई बिजनेस ये करना चाहे तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको शुरू करें? उसको क्या, यही अपने कर लेगा आराम से चलाता रहेगा, उसमें फिलहाल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, किसी को कुछ देना नहीं है, एक ही बार का खर्चा होता है जो भी होता है, ठीक है, एक बार लगा के फिर अपने जो भी पैसे आएगा अपने यूज में लेगा, आराम से धंधा हो जाता है, अपना परिवार चलता रहेगा उसका।